रहिका थाना क्षेत्र के जयनगर से दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क NH 105 बसौली खबरपुरा के बीच गुरुवार की अहले सुबह 5 वर्षीय बालक को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचलते हुए फरार हो गया, जिससे बालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बालक अपने नाना के पास 12 जुलाई को आया था और अगले दिन सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृत बालक की पहचान खबरपुरा गाँव वार्ड नंबर 6 निवासी महेंद्र मंडल के नाती प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीण ने मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे ग्रामीण ने बताया कि प्रिंस कुमार कल देर शाम अपने नाना के घर आए और आज उनका जन्मदिन मनाने को लेकर घर में परिजन तरह तरह का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खुशी गम में बदल गया। मृतक प्रिंस भाई में अकेले थे और एक बहन है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने के अंदर यह तीसरा सड़क हादसा हुआ है, जो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। युक्त सड़क किनारे लगभग 100 से 150 घर बसे हुए हैं, जो घर के आगे ब्रेकर का निर्माण करना अत्यंत जरूरी है। ब्रेकर नहीं रहने के कारण 3 महीने में सड़क दुर्घटना 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सड़क दुर्घटना की सूचना रहिका थाना पुलिस को दिया गया। सूचना पाते ही मौके पर रहिका थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंच गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ब्रेकर का निर्माण व मुआवजा जल्द उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा आगे हम लोग सड़क जाम कर हंगामा करते रहेंगे। रहिका पुलिस के द्वारा पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। कैसे हुआ है? 4 महीने पहले कितने बजे घटना हुई है? 8 बजे। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम तो, अच्छा, उम्र कितना होगा? 5 साल। पाँच साल का लड़का है, एक ही लड़का था। एक ही? अच्छा, बच्चे का पिताजी का क्या नाम है? उसका पिताजी का नाम क्या? संतोष मंडल का लड़का था। अच्छा, लड़के ननिहाल में रहते थे? कल आया था, आज बर्थडे था। अच्छा। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहु लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।